यानी विवाह भवन 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से लें बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, उत्तर प्रदेश सरकार ने किन राज्यों से आने वाले लोगों को कोरोना जांच कराना अनिवार्य कर दिया है? ए हरियाणा और असम, बी बिहार और बंगाल, सी बिहार एवं झारखंड, या डी केरल एवं महाराष्ट्र। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। डॉक्टर नीलिमा गुप्ता बनी तिलकामांझी भागलपुर की कुलपति। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति के आने का इंतजार खत्म हुआ। दरअसल डॉक्टर नीलिमा गुप्ता ने कुलपति के रूप में योगदान दिया। 11 बजे कुलपति नीलिमा गुप्ता विश्वविद्यालय पहुंची, जहां TMBU के अधिकारियों द्वारा उनका स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने कागजात प्रक्रिया पूरा कर पदभार ग्रहण किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भागलपुर आना काफी अच्छा लग रहा है, इसके पहले भी मैं यहां आ चुकी हूं। TMBU के हमेशा विवादों में रहने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अधिकारियों व टीम के लोगों से बात कर यहाँ के व्यवस्थाओं का जायजा लूंगी और विश्वविद्यालय बेहतर करे इसका प्रयास करूंगी। वहीं आपको बताते चलें कि 19 सितंबर को ही राजभवन से डॉक्टर नीलिमा गुप्ता के नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई थी। वे छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में कुलपति के पद पर तैनात थी। वहां उनका कार्यकाल पूरा हो गया था, किंतु राज्यपाल ने नियमित कुलपति की नियुक्ति नहीं होने तक कुलपति के रूप में डॉक्टर नीलिमा गुप्ता का सेवा विस्तार कर दिया था। डॉक्टर गुप्ता मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की रहने वाली हैं। इन्हें 34 वर्षों का शैक्षणिक अनुभव है। बहरहाल देखना अब यह होगा कि इनके कार्यकाल में TMBU कितना बेहतर कर पाता है। क्या प्राथमिकता होगी? शिक्षा के जगत में आई हूँ और शिक्षा की मुखिया बन के आई हूँ, तो मेरी प्राथमिकता शिक्षा ही होगी। मैं अवश्य चाहूंगी कि शिक्षा के स्तर को हम बिहार में ऊंचा ले जाएं और पूरे हमारा देश है उसमें बिहार की शिक्षा का नाम हो, ये मेरी प्राथमिकता है। मैम, कानपुर से चलकर अब आप भागलपुर आई हैं, कैसा लग रहा है? जी कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लगा। मैं जहाँ भी आती हूँ अपने कर्मों से जिया करती हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे यहाँ भागलपुर में काम करने का एक अवसर मिला है और भागलपुर मेरे लिए नया नहीं है, मैं पहले भी आ चुकी हूँ यहाँ पर, काफ़ी साल पहले आई थी। क्या बदलाव दिखेगा आपके आने के बाद विश्वविद्यालय में? हाँ, बदलाव तो अभी देखिए, इट इज़ टू अर्ली टू कमेंट। मैं सारे विभाग देख लूँ तब मैं आपको बता पाऊँगी। अभी तो मैं सीधी यहाँ पर आ रही हूँ कार्यालय में, तो मैं ज़रूर समझती हूँ कि वक्त के साथ बदलाव शिक्षा जगत में आया ही है, तो यहाँ भागलपुर में भी आया होगा। मैं जब तक सारी चीज़ें रिव्यू ना कर लूँ, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देख लूँ, तब तक मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बता सकती, लेकिन पूरा विश्वास है कि अवश्य ही भागलपुर आगे बढ़ा होगा शिक्षा में। मैम, TMBU जो है लगातार विवादों में रहता है, तो क्या लगता है आपके आने के बाद कुछ सुधार आएगा इसमें? ये तो वक्त बताएगा कि सुधार आता है नहीं, लेकिन मैं मेरा प्रयास ज़रूर रहेगा, क्योंकि मैं जहाँ पहले रही थी विश्वविद्यालय में, शायद आपको मालूम हो बहुत बड़ा वो विश्वविद्यालय है, यहाँ 1100 महाविद्यालय उससे संबद्ध है, वहाँ भी बहुत विवादों से घिरा हुआ था। लेकिन मुझे बहुत प्रसन्नता है कि कल जब मैंने वो विश्वविद्यालय छोड़ा तो सारे ही वर्ग बहुत प्रसन्न थे और हम लोग उसको स्ट्रीमलाइन करने में सफल हुए, तो मुझे पूरी आशा है हम सब के। देखिए, मैं अकेला कुछ नहीं करूँगी, मैं अभी भी कहती हूँ इट इज़ अ टीम वर्क। जो यहाँ के रजिस्ट्रार हैं, प्रो वाइस चांसलर हैं, प्रॉक्टर हैं, सारे शिक्षक हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है, सपोर्टिव स्टाफ है, वो सब मिलकर इस विश्वविद्यालय को आगे ले जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। डॉक्टर दीनानाथ बनाए गए भागलपुर के नए सिविल सर्जन। भागलपुर सदर अस्पताल सभागार में भागलपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार सिंह के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। जिले के सभी चिकित्सा पदाधिकारी, उपाधीक्षक, स्वास्थ्य प्रबंधक और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ने सिविल सर्जन को सेवानिवृत्त होने पर भावभीनी विदाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। बताते चलें कि भागलपुर के सेवानिवृत्त सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार सिंह के पास क्षेत्रीय अपर निर्देशक स्वास्थ्य सेवाएं भागलपुर प्रमंडल और अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी भागलपुर का भी प्रभार था।
स्वास्थ्य विभाग की नई अधिसूचना जारी कर डॉक्टर दीनानाथ को भागलपुर का नया सिविल सर्जन बनाया गया है, जबकि डॉक्टर सुरेश प्रसाद को क्षेत्रीय अपर निर्देशक स्वास्थ्य सेवाएं भागलपुर प्रमंडल का प्रभार सौंपा गया है। वहीं अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विजेंद्र कुमार विद्यार्थी बनाए गए हैं। लेकिन सी एस साहब पर्सनली मॉनिटर करते थे। रात में 10 बजे पेशेंट को खाना नहीं मिला तो डीएम साहब को कॉल चला जाता था। डीएम साहब के पास से सर एकदम असंभव वर्क, जैसे कि आईपीपी 7 के बारे में बोले तो सर पहला ताला तोड़ने वाला हम ही थे सर के साथ है। और मैं हर समय सर के साथ कंधे से कंधे मिला के मैं चला हूँ। कभी सर स्वस्थ रहे और दीर्घायु रहे, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनके लंबे आयु हो। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। भागलपुर, कोरोना रिपोर्ट नहीं मिलने से परेशान अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। भागलपुर के सदर अस्पताल में आर्मी अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल आर्मी के फिजिकल बहाली में शामिल होने वाले अभ्यर्थी से कोरोना का रिपोर्ट मांगा जा रहा है, जिसके कारण लगातार अभ्यर्थी सदर अस्पताल का चक्कर लगा रहे हैं। पर सदर अस्पताल के सुस्त रवैये के कारण अभ्यर्थियों को 3 दिन बीत जाने के बाद भी रिपोर्ट नहीं मिला है। इसको लेकर परेशान अभ्यर्थी ने सदर अस्पताल के मुख्य गेट को बंद कर घंटाघर कचहरी मुख्य सड़क पथ पर जाम लगाकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं घंटों चले उग्र प्रदर्शन के बाद अस्पताल प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों की मांगों को मानते हुए अस्पताल के कोरोना सेंटर को खुलवाकर कोरोना टेस्ट का रिपोर्ट दिया, जिसके बाद जाम तुड़वाया जा सका। बताते चले कि कटिहार में सेना की बहाली होनी है, कैंप में एंट्री तभी मिलेगा जब वो रिपोर्ट दिखाएंगे। ऐसे में अस्पताल के इस रवैये के कारण इतने दिन कड़ी मेहनत कर बहाली में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अपने भविष्य को लेकर चिंतित तो होकर आंदोलन का रुख अख्तियार किया। हम लोग का आर्मी का दौर है, ठीक ना, तो 17 डे को यहाँ हम लोग 27 तारीख को कोरोना रिपोर्ट जांच करवाए थे। बोला था कि सोमवार को मंडे को रिपोर्ट मिल जाएगा 5 बजे। 5 बजे तक सभी भाई बंधु आए, रिपोर्ट नहीं मिला, बोला पेंडिंग बता रहा है। 1 साल से हम लोग जो मेहनत किया है वो क्या होगा। कल हम लोग का 2 बजे रिपोर्टिंग टाइम है कटिहार में, और जब तक कोरोना रिपोर्ट लेके नहीं जाएंगे घुसने नहीं देंगे। उसी के विरोध में क्या किए हैं, देश के लिए जा रहे सर, देश को रक्षा करने के लिए जा रहे हैं। हम लोग को शांतिपूर्वक करे 5-9 बजे। 1 साल का सर मेहनत बेकार चल रहा है। 9 बजे मेहनत कर रहे थे, 9 बजे से बैठे हुए थे सर हम लोग शांतिपूर्वक, एकदम बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 5 बजे सर अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है सर, और हम लोग को चाहिए रिपोर्ट अपलोड करवाइए। नाम बता दो। नाम मेरा MD मीनाज अंसारी। आपका? ऋतुराज। ठीक है, बैठिए। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट, अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया 0 माइल से शार्प शूटर पीयूष यादव सहित 2 अपराधी गिरफ्तार। नवगछिया पुलिस ने रविवार की देर रात 0 माइल में छापेमारी कर पिस्टल और गोली के साथ गोपालपुर चप्परघट निवासी शार्प शूटर पीयूष यादव सहित 2 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरा अपराधी पीयूष के गांव का ही अंजनी कुमार है। पुलिस ने दोनों के पास से 1 देसी पिस्तौल और 2 कारतूस बरामद किया है। नवगछिया SP सुशांत कुमार सरोज ने जानकारी देते हुए बताया कि देर रात सूचना मिली थी कि नवगछिया बस स्टैंड के पास कुछ अपराधी हथियार लेकर घूम रहे हैं। सूचना के सत्यापन हेतु नवगछिया थानाध्यक्ष को भेजा गया। पुलिस टीम द्वारा छापेमारी कर पीयूष कुमार एवं अंजनी कुमार को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा तलाशी लेने पर दोनों के पास से हथियार एवं गोली बरामद किया गया। SP ने कहा कि पीयूष कुमार पेशेवर सुपारी किलर है, सड़क पर वाहन चालकों से भी लूट की घटना को अंजाम देता है। बीती रात ये सूचना मिली थी थाना प्रभारी को, थाना नवगछिया को, कि कुछ अपराधी न्यू बस स्टैंड में घूम रहे हैं। थाना प्रभारी तुरंत बिना समय गंवाए न्यू बस स्टैंड गए और छापामारी उन्होंने किया। छापामारी क्रम में 2 की गिरफ्तारी हुई, पीयूष कुमार और अंजनी कुमार यादव का, जिनके पास से 1 देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। और पीयूष कुमार का कई क्रिमिनल हिस्ट्री भी पाया गया है, मर्डर, लूट, कांड में वांछित भी रहा हुआ है, और वो पता कर रहे हैं किस कांड में, कितने कांड में वांछित किया है। इसके अलावा एक अंजनी अगर सभी नहीं मिला है,
हम लोग उसका भी हम लोग इतिहास ढूंढ रहे हैं। एक और घटना हुआ था कि परसों 28 को ही एक लड़का मोबाइल छीन के भाग गया था, उस पर थाना प्रभारी तुरंत कार्रवाई करते हुए दो की गिरफ्तारी हुई है, जिसने मोबाइल छीना था और जो लूटे के मोबाइल का यूज कर रहा था। सचिन कुमार है, एक राहुल कुमार है, दोनों जमुनिया गांव के गिरफ्तारी हुई। कुल 4 गिरफ्तारी हुई 2 कांडों में। नवगछिया, देर रात तक कार्यालय खोलकर चलित प्रमाण पत्र किया गया निर्गत। नवगछिया एसपी कार्यालय के आरटीपीएस काउंटर पर चलित प्रमाण पत्र बनाने वाले अभ्यर्थी की सोमवार की पूरे दिन भीड़ लगी रही। सभी अभ्यर्थी 3 मार्च को सेना भर्ती में शामिल होने के लिए चलित प्रमाण पत्र के लिए देर शाम तक एसपी कार्यालय के समक्ष खड़े थे। नवगछिया एसपी ने कार्यालय के पास छात्रों की भीड़ देखते हुए 2 अलग अलग टीम बनाकर सभी चलित प्रमाण पत्र बनाने वाले युवकों को देर रात तक कार्यालय खोलने का निर्देश दिया। मालूम हो कि सेना बहाली को लेकर नौगछिया एसपी कार्यालय में पिछले एक पखवाड़े से सैकड़ों युवक अपना चलित प्रमाण पत्र अलग अलग थाने से आ रहे हैं, जिसके कारण यहां प्रतिदिन भीड़ लगी हुई रहती है। इसको देखते हुए कुछ लोगों का रिसीविंग व अन्य कागजात खो जाने के कारण सभी युवक एसपी से मिले। एसपी सुशांत कुमार सरोज के द्वारा तत्काल चलित प्रमाण पत्र बना रहे अधिकारी को तलब कर देर रात तक कार्यालय खोलकर संबंधित थाना के युवकों को रिसीविंग लेकर तत्काल बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी युवक का चलित प्रमाण पत्र के कारण सेना में नियुक्ति को लेकर परेशानी नहीं होने देंगे। देर रात तक खुद हम अपने स्तर से कार्यालय का मॉनिटरिंग कर सभी युवक का चलित प्रमाण पत्र थाना स्तर से रिपोर्ट मंगाकर जारी किया जाएगा। एसपी के इस पहल से मौजूद युवकों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया, नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया के जगतपुर में महाशिवरात्रि की तैयारी को लेकर बैठक। श्री नागेश्वर नाथ महादेव मंदिर जगतपुर में महाशिवरात्रि महोत्सव की तैयारी को लेकर सोमवार के दिन के 11 बजे मंदिर के प्रांगण में श्रीकांत यादव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई विषय को लेकर चर्चा और शांतिपूर्ण पूजा अर्चना एवं शिव बारात आकर्षक ढंग से निकालने का निर्णय लिया गया। ग्रामीण ने बताया कि महाशिवरात्रि का महत्व इसलिए है क्योंकि यहां शिव और शक्ति का मिलन की रात है। शिव भक्त इस दिन व्रत रखकर अपने आराध्य का आशीर्वाद लेते हैं। वहीं मौके पर मुखिया प्रतिनिधि प्रदीप यादव, विजय यादव, रितेश कुमार सहित कई अन्य उपस्थित थे। नवगछिया, जाह्नवी चौक पर शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 3 दुकान जलकर हुआ राख, सिलेंडर ब्लास्ट, कोई हताहत नहीं। विक्रमशिला सेतु पहुंच पथ पर जाह्नवी चौक के पास रविवार की देर रात बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगे आग से 3 दुकान जलकर राख हो गए। जलकर राख हो चुके तीनों दुकानों में जयमंगल टोला निवासी बेचो मंडल की नाश्ते और अंडे की दुकान, उनके पुत्र के किराना की दुकान और लूको मंडल की नाश्ते की दुकान थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि देर रात तीनों दुकान के पास पहले रोशनी दिखाई थी, जब तक वे लोग कुछ समझ पाते तब तक आग की लौ ने प्रचंड रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते नाश्ते की दुकान में रखा रसोई गैस सिलेंडर ब्लास्ट कर गया। सिलेंडर के टुकड़े 200 मीटर के दायरे में स्थित लोगों के घरों और जाह्नवी चौक टीओपी पर भी गिरे। हालांकि किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सिलेंडर ब्लास्ट हो जाने के बाद आग बुझाने की बात तो दूर, लोग दुकान के नजदीक भी नहीं जा पा रहे थे। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक तीनों दुकान में रखे सामान जलकर पूरी तरह राख हो गए थे। अगलगी में 5 लाख रुपए का नुकसान हो जाने की बात कही जा रही है। वहीं गंगोत्री जागरण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू नेता गुलशन कुमार ने पीड़ित दुकानदारों को मुआवजा देने की मांग स्थानीय प्रशासन से की है। दसवीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका,
बीए, बीटेक, बीसीए, बीबीए, पॉलिटेक्निक मिले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। नवगछिया पुलिस लाइन में सेवानिवृत्त हुए 4 पुलिस पदाधिकारी को दी गई विदाई। नवगछिया पुलिस केंद्र में सोमवार को सेवानिवृत्त हुए 4 पुलिस कर्मी को समारोह पूर्वक विदाई दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक नवगछिया सुशांत कुमार सरोज थे। सेवानिवृत्त हुए पुलिस कर्मी को पुष्प माला पहनाकर एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। सेवानिवृत्त हुए पुलिस पदाधिकारी में पुलिस अवर निरीक्षक रामानंद राय, अवर निरीक्षक मोहन प्रसाद शर्मा, अवर निरीक्षक जनार्दन प्रसाद सिंह, हवलदार तैयब खान शामिल हैं। मौके पर बिहार पुलिस मैन्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नंद कुमार, कोषाध्यक्ष जेपी सिंह एवं उपाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सहित पुलिस केंद्र के तमाम पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद थे। बिहपुर सोनवर्षा की बेटियां खेलेंगी सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता। वॉलीबॉल खेल की नर्सरी कहे जाने वाले प्रखंड के सोनवर्षा की 3 बेटियां खुशी, प्रेरणा एवं मुस्कान 5 से 11 मार्च तक भुवनेश्वर में होने वाले सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप में शिरकत करेंगी। ये तीनों पूर्व में भी अपने खेल के दम पर बिहार टीम का हिस्सा रह चुकी हैं। इसकी जानकारी देते हुए प्रशिक्षक नीलेश कुमार ने इन चयनित खिलाड़ियों को बधाई भी दी है। नवगछिया विकास दिवस के रूप में मनाया गया नीतीश कुमार का जन्मदिन। नवगछिया के रंगरा के भवानीपुर गांव स्थित बूथ संख्या 139 पर नीतीश कुमार का जन्मदिन समारोह पूर्वक केक काटकर मनाया गया। वहीं इस अवसर पर कार्यक्रम का नेतृत्व गोपालपुर विधायक प्रतिनिधि त्रिपुरारी कुमार भारती कर रहे थे, तो सभा की अध्यक्षता पंचायत अध्यक्ष कुंदन कुमार कर रहे थे। अपने संबोधन में त्रिपुरारी कुमार भारती ने कहा कि नीतीश कुमार ने न्याय के साथ विकास को स्थापित कर नीतीश कुमार ने समाजवाद को नए सिरे से स्थापित किया है। उनके जन्मदिन पर हम लोग कामना करते हैं कि भगवान उन्हें सतायु बनाए। त्रिपुरारी कुमार भारती ने कहा कि उनका सौभाग्य है कि जिस दिन हमारे नेता नीतीश कुमार का जन्मदिन है उसी दिन मेरा भी जन्मदिन है। मौके पर कई वक्ताओं ने सभा को संबोधित किया। वहीं मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता उपेंद्र यादव, जदयू के वरिष्ठ नेता अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला महासचिव उमेश चंद्र पटेल, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष मोहम्मद सईद राजा सहित कई अन्य उपस्थित थे। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। दसवीं बारहवीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। एमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। बीए, बीटेक, बीसीए, बीबीए, पॉलिटेक्निक मिले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। पानी विवाह भवन 0 mile NS 31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट। अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया, स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट।
खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस फुलडोभी गेराबाड़ी कटिहार नियर वासंत नवरात्र मंदिर राजपूत मंदिर CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121 AK झा 9472833513।